आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम डीसी मशीनों के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी डीसी मशीन की संरचना है। चाहे आपका डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर, दोनों की संरचना समान होती है, ठीक है। इसीलिए हम डीसी मशीन की संरचना लेके चल रहे हैं। तो आपकी डीसी मशीन में जो डीसी मशीन होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर। स्टेटर मतलब जो स्थिर पार्ट रहते हैं इस मशीन में, और रोटर जो पार्ट मतलब घूम रहे हैं या मूव कर रहे हैं, उन वो सब पार्ट आपके रोटर में आएंगे। तो आप चलिए देखते हैं पहले स्टेटर पार्ट कौन से होते हैं। तो ये आपकी तो डीसी मशीन की संरचना दी हुई है, तो स्टेटर पार्ट कौन देखते हैं। तो स्टेटर मतलब क्या हुआ, जो स्थिर पार्ट होते हैं। तो स्थिर पार्ट जैसे आपका योक, योक क्या है, आपकी बॉडी है, जो डीसी मशीन की सबसे बाहरी भाग होती है, ये बॉडी होती है जो मशीन के आंतरिक भाग हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका पहला क्या है, योक स्टेटर में आएगा। और क्या है, जो आपका ये पोल कोर, मतलब ये जो है ये आपका पोल कोर है, ये भी आपके स्टेटर में आएगा। मतलब ये स्थिर पार्ट होते हैं, क्या स्थिर भाग होते हैं। फील्ड वाइंडिंग मतलब जो पोल कोर होता है उस पर वाइंडिंग करी होती है, तो उसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। आपका ये भी स्थिर रहता है, तो ये भी स्टेटर में आएगा। फील्ड वाइंडिंग के बाद पोल सू ये देखिए, जो ये है ये आपका पोल सू है, ये भी आपका स्थित रहता है, तो ये भी स्टेटर में आएगा। पोल सू और आपका एक ब्रश जो है आपका, ये भी स्टेटर पार्ट होता है। ये कम्यूटेटर से मतलब संपर्क में रहता है, लेकिन ये स्थित पार्ट होता है, जो आपका ब्रश होता है वो, ये भी स्थिर रहता है, मतलब ये भी स्टेटर में आता है, ठीक है। जो आपका ये बेस मतलब जो मतलब आधार है, ये जैसे मोटर को रखने के लिए है, ये भी आपका स्थिर पार्ट रहता है, ये तो नॉर्मल है। और टर्मिनल बॉक्स, ये भी आपका स्थिर रहता है। टर्मिनल बॉक्स का कार्य क्या होता है, जनरेटर के केस में इस मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम टर्मिनल बॉक्स द्वारा लेते हैं, ठीक है। और मोटर के केस में क्या होता है, इसी टर्मिनल बॉक्स द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को देते हैं, और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और आई बोल्ट का मतलब है, जो बहुत भारी भारी मतलब डीसी मशीनें या मोटर जनरेटर होते हैं, जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होता है, तो इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों मतलब मशीनों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है। तो ये जो आई बोल्ट है, इसमें हुक की तरह होता है, बजा के एक स्थान से दूसरे स्थान किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके स्टेटर पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो स्टेटर में हमने क्या देखा, योक जो मतलब इसके मेन भाग होते हैं, योक इसका मतलब बॉडी मशीन की, पोल कोर, ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और पोल सू, और हमने एक देखा ब्रश, ठीक है। अब रोटर भाग को देखते हैं। तो रोटर भाग में जैसे आपका आर्मेचर कोर है, ये देखिए ये आपका आर्मेचर कोर है, तो ये आपके रोटर भाग में आता है, मतलब ये घूमता है, ठीक है। आर्मेचर और ये आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग है, मतलब ये सब बाइंडिंग करी हुई है, तो ये सब भी आपके रोटर के पार्ट में आते हैं। ठीक है, आपका जो कम्यूटेटर है, ये जो भाग है, ये देखिए ये वाला जो ऐसे ऐसे करा है, ये कम्यूटेटर है, ये भी आपका रोटर पार्ट में आता है, ठीक है। ये आपका जो शाफ्ट है, शाफ्ट ये भी आपका रोटर पार्ट है, मतलब घूमता है। शाफ्ट का कार्य क्या होता है, जनरेटर के केस में शाफ्ट द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और फिर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन मोटर के केस में शाफ्ट द्वारा हम क्या करते हैं, जब इसे मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो शाफ्ट द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका शाफ्ट भी रोटर मतलब रोटर के पार्ट में आता है शाफ्ट, ठीक है। तो आपके स्टेटर के जो पार्ट हैं, हमें इनके बारे में जाना, योक, पोल कोर, फील्ड वाइंडिंग और पोल सू और ब्रश, ठीक है। और रोटर में आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर, ठीक है।
तो पहले हम स्टेटर के सभी भागों को देख लेते हैं, ठीक है। योग, जो आपका योक होता है वो मतलब मशीन का सबसे बाहरी भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता है योक को, जो मशीन के अंदर मतलब पार्ट्स हैं उनके मतलब सुरक्षा करना होता है। मतलब योक जो होता है इसे एक प्रकार से बॉडी कह सकते हैं, जो मशीन का बॉडी होता है वो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। और योक का क्या कार्य होता है, अच्छा ये योक किस किस से बना होता है, छोटी मशीनों में जो हमारा योक होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। और इस योक का क्या कार्य होता है, ये योक जो है जो फ्लक्स है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे पथ प्रदान करता है, पथ मतलब माध्यम प्रदान करता है पास होने के लिए। जैसे ये आपके नॉर्थ और साउथ ये दो पोल हैं, तो ये मैग्नेटिक जैसे फ्लक्स लो रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, तो ये जब वापस फ्लक्स रिटर्न होगा, अगर यहाँ क्या है एयर है और एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, इस कारण से यहाँ पर जो हमारे फ्लक्स होगा वो कम पास होंगे, इसीलिए फ्लक्स यहाँ से ना पास होके ऐसे पास होता है, ठीक है, मतलब इस योग द्वारा। तो हमारा योग और क्या कार्य करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे पथ प्रदान करता है मतलब रास्ता प्रदान करता है, ठीक है, योग का एक कार्य होता है। तो योग के बारे में चलिए लिखते हैं, योग योग क्या होता है, योग मशीन का सबसे बाहरी बेलनाकार भाग होता है, ठीक है, जो मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब इसे पॉइंट में करके लिखेंगे, योग जो हमारा होता है योग छोटी मशीनों में कास्ट आयरन तथा बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। योग छोटी मशीनों में कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, योग मशीन में क्षेत्र चुम्बक द्वारा उत्पन्न
योक मशीन में क्षेत्र चुंबक द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। पथ मतलब यहाँ रास्ता, ठीक है ठीक है। तो ये आपके योग के बारे में हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पोल कोर के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम पोल कोर के बारे में जानते हैं। तो हम पोल कोर के बारे में चलिए जानते हैं कि जो हमारा पोल कोर क्या है। यही है आपका ये पोल कोर है। जो ये पोल कोर होता है ये उच्च सिलिकन स्टील के लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों से मिलकर बना होता है। इसे पतली पतली पत्तियों से मिलकर क्यों बनाया जाता है, मतलब ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ईडी करंट मतलब हो गया भंवर धारा हान को कम करने के लिए। ये भंवर धारा हान क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये पतली पतली पत्तियाँ होते हैं इनकी मोटाई कितनी होती है, इनकी मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm तक होता है, ठीक है। और इसी पोल कोर के ऊपर हमारा जो मैग्नेटिक मतलब वो वाइंडिंग करी होती है। क्या करी होती है, वाइंडिंग करी होती है, मतलब फील्ड वाइंडिंग जो होता है हमारा इस पोल कोर के ऊपर करा होता है, ठीक है। तो हम पोल कोर के बारे में क्या लिखेंगे, पोल कोर सिल्क आप लिख लीजिए उच्च पोल कोर उच्च सिलिकन स्टील के लेमिनेटेड पतले पतले जो पोल कोर होता है वो उच्च सिलिकन स्टील के लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तथा पोल कोर के ऊपर हमारा फील्ड वाइंडिंग स्थित होता है। जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है वो किस पे करा होता है, पोल कोर पे, ठीक है। तो आप इस पोल कोर के बारे में ये लिख सकते हैं। और आगे आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इन पतले पतले पत्तियों की जो मोटाई होती है वो 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं पोल शू को। पोल शू, ठीक है, पोल शू। अब चलिए देखते हैं पोल शू का काम क्या होता है। जो ये हमारा पोल शू होता है मतलब ये छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन अधिकतर ये पोल कोर की तरह उच्च सिलिकन स्टील के रूप में पतली पतली पत्तियों का बना होता है। अधिकतर ये उच्च सिलिकन स्टील की पतली पतली पत्तियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, पोल शू। अब इस पोल शू का कार्य क्या होता है, पोल शू पहले तो देखिए, पोल शू जो होता है हमारा इस पे जो बाइंडिंग करी है मतलब पोल कोर के ऊपर, पोल शू का क्या काम होता है, जो ये पोल कोर पे मतलब वाइंडिंग करी है
इससे इस फील्ड वाइंडिंग को थामे रखता है। पहले तो पहला काम ये है पोल झुका। अब और काम देखते हैं, जो आर्मेचर है, अगर मान लीजिए आपका यही पोल ऐसे होता है तो आर्मेचर जब फ्लक्स कट करता है तो फ्लक्स इधर उधर जाते, ठीक है, लेकिन पोल सू मतलब इस पोल का वक्र मतलब वक्र की तरह होने के कारण जब आर्मेचर फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ से जाने वाले जो फ्लक्स हैं पोल सू से टकराने के पश्चात फिर आर्मेचर पे आ जाएंगे, क्या टकराने के बाद फिर आर्मेचर पे आ जाएंगे, तो आर्मेचर अधिक से अधिक फ्लक्स कट करेगा। अगर आर्मेचर अधिक से अधिक फ्लक्स कट करेगा तो अधिक से अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो दूसरा कार्य ये हो गया आपका, ठीक है, पोल सू का। अब तीसरा कार्य देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका पोल ऐसे होता है तो यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा, देखिए यहाँ के मैग्नेटिक फ्लक्स में एयर गैप जाता है ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो इससे क्या होता है जो हमें फ्लक्स होता है वो कम, देखिए यहाँ पर फ्लक्स कम कट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा कट हो रहा है, तो कम ज़्यादा फ्लक्स कट होने के कारण हमें वोल्टेज समान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एयर गैप है हर जगह कुछ ये ऐसे बना रहेगा आपका, जो ऐसे मोटर बना रहे मतलब आर्मेचर, तो यहाँ का एयर गैप जो होता है समान होता है, मतलब तो समान फ्लक्स कट होते हैं, और जब समान फ्लक्स कट होंगे तो हमें जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो समान प्राप्त होगा, ठीक है। तो पोल सू का आपका यही कार्य होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब चलिए लिख लेते हैं, पोल सू छोटी मशीनों में पोल सू छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, परंतु अधिकतर यह पोल कोर की तरह उच्च सिलिकन स्टील उच्च सिलिकन स्टील के पत्तियों से बना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से देखें पोल सू छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, परंतु अधिकतर यह पोल कोर की तरह उच्च सिलिकन स्टील के पत्तियों से बना होता है, ठीक है। अब इसे पॉइंट में कुछ लिखेंगे, चलिए पॉइंट में करके पोल सू क्या फील्ड वाइंडिंग को थामे रखता है, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए क्या है, पोल सू फील्ड वाइंडिंग को थामे रखता है। अगला लिखेंगे पोल सू से टकराने वाले
पोल सूर से टकराने वाली फ्लक्स रेखाएं टकराने के बाद पुनः आर्मेचर पर आती हैं, जिससे आर्मेचर अधिक से अधिक फ्लक्स कट करता है, ठीक है। और जिससे क्या है, पोल सूट से टकराने वाली फ्लक्स रेखाएं टकराने के बाद पुनः आर्मेचर पर आती हैं, जिससे आर्मेचर अधिक से अधिक फ्लक्स कट करता है और जिससे अधिक से अधिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये दिख रहा है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, फील्ड वाइंडिंग। एक पॉइंट और लिख लीजिए पोल सू में। पोल वक्र इसलिए बनाया जाता है पोल वक्र इसलिए बनाया जाता है जिससे सब जगह समान फ्लक्स कट हो और समान वोल्टेज प्राप्त हो, ठीक है। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, क्या ये स्टेटर पार्ट में आता है, क्या फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग जो हमारा होता है ये पोल कोर के ऊपर स्थित होता है। देखिए ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, ऐसे आपका फील्ड वाइंडिंग होता है, जैसे आपका ये क्या है, आपका ये कोर है, यही है पोल कोर, ठीक है, इसी के ऊपर आपका फील्ड वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारा फील्ड वाइंडिंग स्थित होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब इस फील्ड वाइंडिंग में हम करंट मतलब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमने आपको बताया था एक सेल्फ एक्साइटेड, एक बताया था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर, ठीक है। तो सेल्फ में क्या होता है, अगर जनरेटर है तो मतलब जनरेटर या मोटर हो, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर में क्या होता है, वो स्वयं के करंट द्वारा अपने फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित कर लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। और सेपरेटली क्या था, डीसी जनरेटर मोटर में उन्हें अपने फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अलग से मतलब बाहर से कोई डीसी स्रोत या बैटरी से जोड़ना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ फील्ड वाइंडिंग के बारे में लिखेंगे, चलिए। फील्ड वाइंडिंग हमारा फील्ड वाइंडिंग पोल कोर पर स्थित होता है तथा फील्ड वाइंडिंग में लब्धिष्ट धारा
फील्ड वाइंडिंग में दृष्ट धारा उत्तेजित करके मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो आप ये फील्ड वाइंडिंग के बारे में ये लिख सकते हैं। और हमारा अगला क्या था, ब्रूस था, जो मतलब ये स्टेटर वाट में आता है। ठीक है, चलिए ब्रूस के बारे में जानते हैं। जो ये आपका ब्रूस होता है, ये कार्बन या कार्बन ग्रेफाइट या फिर कॉपर का बना होता है, लेकिन अधिकतर ये जो ब्रश होता है, ब्रूस आपका कार्बन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन ब्रश होता है, आपके कम्यूटेटर से मतलब संपर्क में रहता है, जुड़ा रहता है मतलब। तो जब ये कम्यूटेटर रोटेट करता है, आपका कार्बन स्थिर रहता है, तो इनके बीच घर्षण कम हो, इसीलिए कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। अगर कार्बन ब्रश है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच क्या, घर्षण कम होता है। ठीक है, इसीलिए। और इस ब्रश का क्या काम होता है, ये जो करंट होता है, ये ब्रश क्या करता है मोटर के केस में, ब्रश कर क्या काम करता है मोटर के केस में, जो करंट होता है मतलब सप्लाई करंट होता है, उसे पहले कम्यूटेटर में देता है और कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग में भेजता है। और जनरेटर में के केस में क्या होता है, इसी ब्रश द्वारा हम जो उत्पन्न करंट है उसे कलेक्ट करके लोड को देते हैं, क्या, लोड को भेजते हैं। ठीक है, तो ब्रश का यही आपका कार्य होता है। ठीक है, तो ब्रश के बारे में लिखते हैं। जो आपका ब्रश होता है, ब्रश कार्बन क्या होता है, अधिकतर कार्बन ब्रश का प्रयोग होता है, कार्बन कम्यूटेटर के मध्य घर्षण कम होता है। ठीक है, जो हमारा ये ब्रश होता है, ये क्या होता है, कम्यूटेटर पे स्थिर होता है। स्थिर होने का मतलब उससे जुड़ा नहीं है, उससे संपर्क में रहता है। ठीक है, ब्रश ठीक है, रोज हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर पर स्थिर होता है। ठीक है, अब इस ब्रूस का काम क्या होता है, जनरेटर के केस में ब्रूस क्या काम करता है, इसे आप लिख लीजिए। जनरेटर के केस में क्या होता है, पॉइंट करके लिखिए,
जनरेटर के केस में ग्रोथ करंट को कलेक्ट करके लोड लोड को भेजता है। अब मोटर के केस में क्या होता है, मोटर के केस में क्या होता है, ब्रूस करंट को आर्मेचर वाइंडिंग में भेजता है। पहले क्या होगा, जब हम मोटर होगा तो जब इस ब्रूस को सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये ब्रूस क्या करेगा, ब्रूस पहले कम्यूटेटर को सप्लाई देगा और कम्यूटेटर फिर आर्मेचर वाइंडिंग को, ठीक है। तो आपका ये ब्रूस हो गया, ठीक है। तो हमने जितने स्टेटर पार्ट थे उनके उनको देख लिया है, ठीक है। और हमने आपको आई बोल्ट और टर्मिनल बॉक्स के बारे में बताया ही। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, जैसे मोटर का केस है तो हम इससे सप्लाई मोटर को देंगे, और अगर जनरेटर का केस है तो इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे। मतलब मोटर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा तो इस टर्मिनल बॉक्स द्वारा हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड में भेजते हैं, ठीक है। और आई बोल्ट के बारे में हमने बताया था, जैसे जो भारी कोई मशीनें होती हैं जैसे जनरेटर या मोटर, तो उन्हें उठाने के लिए मशीनों द्वारा उठाया जाता है, तो इस आई बोल्ट द्वारा मतलब हुक की तरह होता है। तो ये आई बोल्ट का ये भी आपका एक स्टेटर पार्ट है, इसके बारे में हम जान लिए, ठीक है। तो हमने जितने भी स्टेटर पार्ट थे उनके बारे में जान लिया, ठीक है। आप बचे हैं रोटर के पार्ट, तो उन्हें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।